नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंसकारी, और साइंसकारी के इस एपिसोड में बात पक्षियों की। आजकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में एक शब्द खूब सुनने को मिलता है, बायोमिमेटिक्स। बायो और मिमिक्री से बना शब्द बायोमिमेटिक्स। बायो मतलब जीवित वस्तु, सजीव, और मिमिक्री मतलब नकल करना। बायोमिमेटिक्स मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो जीवित वस्तुओं की नकल करके बनी हो, जैसे कि एयरप्लेन। इंसान को उड़ना नहीं आता था, उसके शरीर की डिजाइन ऐसी नहीं थी कि वो उड़ पाए, लेकिन उसे उड़ते हुए पक्षी दिखते थे। तो इंसान ने पक्षियों जैसे दिखने वाली एक मशीन बना ली और उस मशीन में बैठकर वो उड़ने लगा। एरोप्लेन नाम की इस मशीन के भी दो पंख होते हैं, आगे का हिस्सा पक्षियों की चोंच जैसा होता है। एयरप्लेन की पूरी बॉडी की डिजाइन पक्षियों की नकल करके ही बनाई गई है, यही है बायोमिमेटिक्स। लेकिन पक्षियों की इस नकल का सिलसिला यही नहीं रुका। आपने कोई एयर शो देखा है? टीवी पर तो देखा ही होगा। जब कोई एयर शो होता है तो बहुत सारे प्लेन्स ग्रुप में उड़ते हैं। इस प्रदर्शन की एक क्लासिक सी तस्वीर वो होती है जिसमें जहाज वी फॉर्मेशन बनाकर उड़ते हैं, एकदम स्वैग से। वी फॉर्मेशन मतलब वी जैसी आकृति बनाकर उड़ना, अंग्रेजी का अक्षर वी। एयरप्लेन्स का ये वी फॉर्मेशन वाला स्वैग पक्षियों की नकल करके ही आया है। अगर आप आसमान ताकते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि कुछ पक्षी एक स्पेशल आकृति बनाकर उड़ते हैं, उनकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी होती है। सारे पक्षी ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ही ऐसा करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब घुमंतु पक्षी जो लंबी दूरी तय करते हैं। लेकिन ये पक्षी ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो भी ऐसा स्वैग के लिए करते हैं? जवाब है नहीं, वो अपना खर्चा बताने के लिए ऐसा करते हैं। कैसा खर्चा? पूरी बात बताते हैं विस्तार से। आपने कभी पानी वाला जहाज देखा है? फिल्मों में तो देखा ही होगा। जब जहाज आगे जाता है तो उसके जस्ट पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और साइड वाला पानी ऊपर की तरफ उछलता है। लगभग ऐसा ही सीन तब होता है जब कोई पक्षी या जहाज हवा में आगे जाता है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है, उसके जस्ट पीछे की हवा नीचे को जाती है और उसके साइड वाली हवा ऊपर को उठती है। ये साइड से उठती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है। दरअसल पक्षियों की ज्यादातर ऊर्जा ऊपर बने रहने में ही खर्च होती है, तो जिस इलाके में हवा ऊपर को उठ रही होती है ना, वो फ्री में ही पक्षी को ऊपर ढकेल देती है और वहां पक्षी को अपनी तरफ से कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इस ऊपर उठती हवा के लालच में ही पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है। हर एक पक्षी को आगे वाले पक्षी से यही हवा चाहिए होती है, और इस तरह एक के पीछे एक बने रहने से वी की आकृति बन जाती है। आप पूछेंगे कि हमको कैसे पता चला कि एनर्जी कम खर्च होती है, हम कौन सा पक्षियों से पूछ के आए हैं? यह हमें हेनरी वाइमर्स कर्व की रिसर्च से पता चला है। हेनरी को पता लगाना था कि इस वी वाले ग्रुप में कौन पक्षी कितनी मेहनत कर रहा है। यह पता लगाने के लिए हेनरी ने पक्षियों के साथ हार्ट रेट मॉनिटर फिट कर दिए। हार्ट रेट मॉनिटर मतलब दिल की धड़कन पता करने वाली मशीन। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि आगे वाला पक्षी जो है वो ज्यादा हांफ रहा है और पीछे वाले पक्षी कम हांफ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको इसका कारण बता ही चुके हैं। पीछे वाला जो पक्षी है वो आगे वाले पक्षी की साइड वाली ऊपरी हवा से लिफ्ट ले रहा है। गुरु है तो बढ़िया सिस्टम, लेकिन ऐसे में तो आगे वाले पक्षी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो नेता बनेगा उसको बाकियों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पीछे वालों की तो मौज हो जाएगी। ऐसा होता तो कोई नेता ही नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ना इंसाफी ना हो इसलिए पक्षी लोग पोजीशन बदलते रहते हैं। कभी कोई पक्षी आगे रहता है, कभी दूसरा। बारी बारी से सबकी बारी आती है। इस पूरी ग्रुप टास्क में टाइमिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। सही फायदा उठाने के लिए पीछे वाले पक्षी को सही टाइम पे पंख फड़फड़ाने होंगे। आगे वाले पक्षी के साइड की हवा ऊपर तो आती है, लेकिन वो लहर जैसी होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, जैसी लहर होती है ना वैसे ही। इसलिए इस लहर का फायदा उठाया जाए इसके लिए पक्षी सही टाइम देखकर पंख फड़फड़ाते हैं। हमें यह नहीं पता है कि वो हवा का बहाव सेंस करते हैं या आगे वाले पक्षी के पंख देखकर टाइमिंग मैच कराते हैं। अब क्रेडिट देने की बारी है। ये बातें हमें पकी पकाई मिल गई, लेकिन ये सब स्टडी करना इतना आसान नहीं था। स्टीवन पोर्चुगल और उनकी टीम ने 2013 में नेचर जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश की थी। उन्होंने पक्षियों के एक ग्रुप में लोकेशन और स्पीड सेंस करने वाले डिवाइस फिट किए थे। ऐसी रिसर्च में दिक्कत ये आती है कि ये वाले ऐसे डिवाइस नहीं थे जो वायरलेस डेटा ट्रांसफर कर सकें। रिसर्च का सारा डेटा लेकर पक्षी उड़ जाते थे और हाथ नहीं आते थे, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए अलग से पक्षियों को ट्रेन किया गया था। उन पक्षियों में सेंसर फिट किए गए, पक्षियों ने उड़ान भरी, फिर उनका सारा डेटा इकट्ठा किया गया और हमें ये कमाल की बात पता चली। ये कमाल की बातें आपको पता चलती रहें इसके लिए ज़रूरी है कि आप दी लल्लन टॉप का फेसबुक पेज लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले संडे को। टाटा, बाय बाय।